दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आर्यन कुशवाहा ओरिजिनल में। दोस्तों आप लोग लता वाली फसलें गमलों में अगर लगाते हैं तो उसकी जो पोटिंग मिक्स आप तैयार करते हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वो पोटिंग मिक्स आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ आपको तैयार करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आप जानते हैं कि जो लता वाली फसलें इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इस तरीके से जो पोटिंग मिक्स आप तैयार करते हैं उसको थोड़ा सा हैवी बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको उसकी जो फल की तुड़ाई आप 4 से 5 महीना, कोई कोई जो फसल 6 महीने चल जाती है गमलों में। जैसे हम करेला की अगर बात करते हैं तो करेला को अगर सही तरीके से आप रख रखाव रखेंगे तो ये 6 महीने तक आपको फल दे देगा। दोस्तों बात आती है जब पोटिंग मिक्स हम बनाते हैं तो पोटिंग मिक्स में दोस्तों एक बात ये आती है कि जिस तरीके से मैं पोटिंग मिक्स आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप पोटिंग मिक्स को बनाइएगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब आप इस पोटिंग मिक्स में लता वाली फसलें आप लगा देते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान ये रहे कि 15 से 20 दिन पर आप उसमें कुछ ना कुछ कंपोस्ट के रूप में आप देते रहिए या लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में आप देते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये आप जान जाइए कि लता वाली फसलों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों देखिए हम बना रहे हैं, करना उसमें क्या क्या उसमें आपको लेना है। आपको सबसे पहले देखिए आपको कम से कम 50 से 60% आपको मिट्टी लेनी है। तो देखिए जैसे मैं अगर, और दोस्तों आपको एक बात ये बताएं हम कि जो आप मिट्टी लेंगे, आप मिट्टी आप ध्यान रहे कि जो मिट्टी कुछ लोग गलती क्या करते हैं, फावड़ा उठाते हैं और मिट्टी ज़मीन से नीचे से खन लेते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर मिट्टी आप गमले के अगर लीजिएगा, कोई भी पोटिंग मिक्स आप बना रहे हैं तो वो जो पोटिंग मिक्स के लिए मिट्टी आप केवल ऊपरी सतह का ही लीजिएगा। जैसे जो ऊपर सतह हो उसको आप बाहर कर दीजिएगा, बाहर करने के बाद उसको आप 6 इंच या 5 इंच से ज़्यादा गहरा आप मिट्टी न लीजिएगा, ताकि आपके लिए बहुत ही नुकसान हो जाएगा अगर उससे गहरा आप लेंगे तो। दोस्तों देखिए मैंने ऊपर की मिट्टी ले रखा है और एक बॉल मैंने मिट्टी ले लिया, कम से कम आप इसमें 3 बॉल आप मिट्टी ले लीजिए। दोस्तों जो मिट्टी है, मिट्टी का रेशियो मैंने ये मान लिया है 60%। जैसे अगर इसको हम 20% माने तो 3% मैंने लिया तो इसको 60% मैंने ले लिया ये मिट्टी। तो मिट्टी को आप साफ उप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब करना क्या, आपको इसमें 20% लेना है बर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर खाद। लेकिन दोस्तों अगर बर्मी कंपोस्ट आप लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो देखिए मैं 20% बर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं। दोस्तों मैंने ले लिया 20% ये बर्मी कंपोस्ट। एक चीज़ ये मान के आप चलिए, तो बर्मी कंपोस्ट को आप इसमें मिक्स अप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अब करना क्या है कि 20% आप इसमें ले लीजिए कोकोपीट, ये आपको ध्यान रहे। देखो तो मैंने ले लिया कोकोपीट 20%। अब इसके बाद दोस्तों इसमें आप मिला सकते हैं नीम की खली, और नीम की खली आपको लेनी कितनी है, कम से कम 5 से 10% नीम की खली इसमें एक्स्ट्रा आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों नीम की खली मैंने ले रखा है, और नीम की खली आपको बहुत ज़रूरी है मिलाना लता वाली फसलों में। तो नीम की खली मैंने ऐसे मिला दिया। उसके बाद दोस्तों एक काम और आपको करना है, इसमें बोन मील भी आपको मिलाना है लता वाली बेल वाली फसलों में, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने एक मुट्ठी के तौर पर देखिए इतना मैंने इसको बोन मील मैंने इसमें मिला दिया। थोड़े से दोस्तों इसको मैं हैवी बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल रखा था तो कि इस मिट्टी को आप हैवी बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने लिया है सरसों की खली, इसका पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, इस तरह भी डाल सकते हैं, ये इसमें मैच्योर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए पूर्ण रूप से ये बन के ये कम्प्लीट है, इसको आप मिक्स कर दीजिए। दोस्तों इसमें आप चाहें
तो थोड़ी सी जो मिट्टी आपने मिलाया है 60% इसमें, आप उसको 40% कर सकते हैं, और 40% बाद जो 20% उसमें बचता है, उस 20% में आप इसमें सैंड ऐड कर सकते हैं। रेत दोस्तों आप ऐड करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। जैसे देखिए, मैंने थोड़ी सी अगर रेत भी इसमें ले लिया, और रेत दोस्तों उसको इस्तेमाल करना जो कंस्ट्रक्शन में आप रेत को इस्तेमाल करते हैं, वही रेत इसमें भी आपको इस्तेमाल करना है। थोड़ी सी मेरा मिट्टी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने एक गमले के लिए मिट्टी बना रहा था। और ये देखिए बहुत हैवी मिट्टी बन गई है, ये तैयार हो गई। क्योंकि दोस्तों अगर गमले में आपको इस फसल को लगाना है तो इसमें सैंड ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम आपके गमले की होना अच्छी तरीके से बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जो मैंने ये पोटिंग मिक्स आपको लता वाली फसलों के लिए बताया, ये आपको कैसा लगा? अगर आप इस समय जो मेन समय चल रहा है, जो बेल वाली फसलें लगाने का, जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों में, तो आप ग्रो बैग में या गमलों में लगाते हैं, या आपके पास कंटेनर उसमें लगाते हैं, तो सेम पोटिंग मिक्स इसी तरीके से आप बनाएंगे। इसी तरीके से आप पोटिंग मिक्स बनाएंगे तो आपको देखेंगे जो पौधा है बहुत बेहतरीन ग्रो करेगा। दोस्तों ये आप पोटिंग मिक्स आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाइक के साथ दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा, और आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो बेल आइकन को नहीं ऑन किए तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो को लगातार मिलता रहे। दोस्तों मैं हमेशा आपको इस तरीके का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक देने का प्रयास करते हैं, और इस वीडियो को दोस्तों आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।